नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, भारतीय रेलवे के कई सारे ऐसे रूट हैं जो ऐसे एरिया से गुजरते हैं जहां पर हाथियों की संख्या काफी ज्यादा है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग अलग अलग राज्यों में 700 किलोमीटर ऐसे रूट हैं जहां जो ऐसे जंगलों से गुजरते हैं जहां पर हाथी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। और दोस्तों, होता क्या है कि जब ट्रेन चलती है तो ये हाथी जो है अचानक ट्रैक्स पर आ जाते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो रेलवे का आंकड़ा यहाँ पर यह भी कहता है कि पिछले 3 सालों में 45 हाथी ऐसे हैं जो कि ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हाथी ट्रेन की चपेट में आते रहेंगे, क्योंकि ट्रेनें तो हमेशा चल रही हैं, तो उस एरिया से हाथी न के बराबर हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय रेलवे कई सारे प्रयास कर रही है जिससे ये हाथी जो है ट्रेन की चपेट में जो आ रहे हैं तो ऐसे हादसे ना हो। इसके लिए भारतीय रेलवे के द्वारा एक प्रकार का एक जो है ट्रैक्स के किनारे आप देख स्टिकर लगाकर उसमें मधुमक्खी की आवाज निकाली जाती थी जिससे हाथी लोग सतर्क होकर ट्रेन के ट्रैक्स के सामने न आए। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद भी यहां पर ये जो है प्रयास सफल नहीं हुआ और हादसे होते रहे। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा इस समस्या से निजात पाने के लिए एक AI बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एक गजराज सॉफ्टवेयर जो कि स्वदेशी सॉफ्टवेयर है बनाया गया है जो इन हाथियों की सुरक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे के द्वारा बनाया गया ये गजराज सॉफ्टवेयर क्या है और यह किस प्रकार से वैसे एरिया में हाथियों को बचाएगा। तो दोस्तों, रेलवे के द्वारा यहाँ पर बताया ये गया कि ये जो लगभग 700 किलोमीटर का रूट है इस पर 181 करोड़ रुपए खर्च करके ट्रैक्स के किनारे एक ऑप्टिकल केबल बिछाए जाएंगे और यहाँ पर एक गजराज नांगबाप सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल किया गया है और इस ऑप्टिकल केबल में जगह जगह पर सेंसर होंगे। दोस्तों, ये जो सेंसर करेगा क्या कि अलग अलग प्रकार के जितने भी फ्रीक्वेंसी है उनको डिटेक्ट करने की इसमें क्षमता रहेगी। तो खासकर जो हाथी है ट्रैक्स के किनारे 200 मीटर के एरिया में अगर कोई हाथी चलता है तो उसके चलने से जो कंपन यानी कि वाइब्रेशन पैदा होगा उस वाइब्रेशन को ये जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड यहाँ पर जो डिवाइस लगे रहेंगे उसे डिटेक्ट करेगा और ये आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पर 200 मीटर के एरिया में कोई हाथी आ रहा है। साथ ही साथ उनके चलने की कंपन से ये भी बताएगा कि वो हाथी कितनी मात्रा में है। तो इन सभी चीजों का जो सिग्नल है वह जो है लोको पायलट यानी कि लोकोमोटिव के अंदर जो है मिलेगा, साथ ही साथ स्टेशन मास्टर को भी पता चलेगा और जो भी रेलवे क्रॉसिंग वगैरह उस एरिया में है उनको भी पता चलेगा। यहाँ पर इससे ये चीजें मालूम होगी कि इस 200 मीटर के एरिया में हाथी आ रहे हैं। तो जैसे ही लोको पायलट को इसके बारे में सूचना मिलेगी, लोको पायलट अपनी ट्रेन की स्पीड कम कर देंगे और अगर वाकई में वहां पर हाथी होगा ट्रैक्स के किनारे तो इस प्रकार से हाथी जो है ट्रेनों को रोका जा सकता है और हाथी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से रेलवे के द्वारा ये जो गजराज नाम का सॉफ्टवेयर यहाँ पर बनाया गया जो कि एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर है, एक बहुत ही इसकी जो टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है तो काफी अच्छे से ये काम कर रही है। तो आसाम वगैरह के एरिया या फिर झारखंड या फिर तमिलनाडु जो जंगली एरिया जहां पर इस प्रकार से हाथी ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो टोटल मिलाकर 700 किलोमीटर रूट पर इस प्रकार के जो है ऑप्टिकल फाइबर और सेंसर रेलवे के द्वारा बिछाए जा रहे हैं जहां पर इस प्रकार से ये जो है कंपन वगैरह अगर कुछ भी आता है हाथियों के चलने से जो भी वाइब्रेशन उसमें फिट करके रखा गया है, तो जब लोको पायलट को पता चलेगा तो वह ट्रेन की स्पीड या तो कम करेंगे या अगर सामने रहेंगे तो रोक कर उस हाथी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया जो कि इस प्रकार से हाथी मारे जा रहे थे तो वैसा कुछ भी नहीं होगा, अब जो है हाथियों की सुरक्षा की जा सकेगी। तो फिलहाल जो है ये रेलवे के इस जो भी इन्वेंशन है या फिर जो भी यहाँ पर रेलवे के द्वारा विकसित किया जा रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय, अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।